नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। पूरे देश में धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए और कई मौतों की खबरें सामने आई। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ धीरे धीरे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान सोमवार को 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री का हो सकता है। इसके साथ ही IMD का अनुमान है कि राजधानी में मंगलवार को हल्की बारिश और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो सकती है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद में अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ साथ हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। बता दें कि IMD के अनुसार आज यानी सोमवार से लेकर 11 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की सी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को कर्नाटक और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में मानसून पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है और कई जगह पर बारिश की संभावना जताई जा रही है।